हेलो दोस्तों, आज हम i10 का वाइपर चेंज करेंगे। ये एक नया टाइप का वाइपर मैंने अमेजोन से मंगाया है। शॉप में पूछा तो 300 रुपये का एक पीस था, ये ऑनलाइन मंगाने से 300 रुपये का दोनों सेट आया है। ये देखिए, ये 22 इंच का है और ये 16 इंच का है। ये नया टाइप का वाइपर है, ये फ्लेक्सिबल होता है। आप देखे होंगे गाड़ी में जो नॉर्मल लगा रहता है वो एक हार्ड मेटल का बना रहता है। ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल वाइपर है, ये कहीं ज़्यादा बेहतर है जो आपका रेगुलर वाइपर रहता है उससे। तो देखते हैं अपनी गाड़ी में इसे लगाकर। तो हम इसे लगाएंगे अपनी आइटम में। अब हम देखेंगे इसे खोलना कैसे है। वाइपर उठाएंगे और इसे टी शेप में ले आएंगे, अल्फ़ाबेट टी। और किसी में क्लिप होता है, किसी में नहीं होता है। तो देखिए, इसको हम ये टी बना लिए और नीचे एक झटके से प्रेस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो वाइपर का ब्लेड है वो खुल चुका है। ये देखिए, ये पुराना वाइपर 22 इंच का, अब इसे हम किनारे रख देते हैं। और ये रहा हमारा नया वाइपर। देखिए, ऊपर एक कैप लगा हुआ है, ढक्कन, इसको खोल लेंगे, ये इजीली ओपन हो जाता है। अब देखते हैं इसकी फिटिंग इसमें कैसे करनी है। देखिए, ये यू एंगल जो बना हुआ है, जे हुक जैसा, इसको पहले इस कैप में इंसर्ट कर देंगे। अब देखिए, इस ढक्कन में इसको घुसा देते हैं और जो हुक लगने का जो जगह है, देखिए ये अंदर मैं प्रेस कर रहा हूँ धीरे से, और ये इसमें फिट हो जाएगा। ये वाइपर लग गया, ऊपर से ढक्कन को बंद कर देंगे, अब ये फिक्स हो गया है। अब ब्लेड को रख देते हैं ग्लास में धीरे से। 22 इंच का ब्लेड जो है वो ड्राइविंग साइड पे लगेगा और छोटा वाला पैसेंजर साइड पे। ये देखिए, दूसरे साइड को भी हम ठीक उसी तरह फिट कर लेंगे और कर देंगे इसके ढक्कन को बंद। अब देखते हैं अंदर से साफ़ करने के बाद ये कैसा दिखता है। ये देखिए, पुराने वाइपर का निशान दिख रहा है। नया वाइपर चलाने के बाद बाहर से देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है हमारा ग्लास। अगर आपको भी वाइपर बदलना हो अपनी गाड़ी का, तो अमेजोन से ये फ्लेक्सिबल वाला वाइपर मंगा कर जरूर ट्राई करें। धन्यवाद। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।